नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपको टुडेस के हमारे न्यूज कार्यक्रम में। मैं कुमार अभिषेक फिर से हाजिर हूं। ब्रेक के बाद बेहद ही अहम न्यूज को लेकर के, कल के बाद से जो राजनीति के जो रिजल्ट्स आए हैं, लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आ गए हैं, उसके बाद से लोग बेहद खुश हैं और हर लोग अपने अपने राय विचार भी साझा कर रहे हैं। लेकिन जो बात सबसे अहम है वो ये कि पंजे पर भारी पड़ा है सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ और जीत के साथ हो गई है उनकी एंट्री और सनी देओल एक बार फिर से काफी चर्चा में है। जी हाँ, लोकसभा हल्का गुरदासपुर में भाजपा के उम्मीदवार सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ कांग्रेस उम्मीदवार और पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ पर भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कुल 77,107 मतों से जीत दर्ज किया है और लोकसभा हल्के के 9 विधानसभा हलकों में से सनी देओल ने लीड हासिल की है, जिसमें कांग्रेस के सिर्फ 2 मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और फतेह जंग सिंह बाजवा कांग्रेस की साख बचाने में सफल रहे। लेकिन कांग्रेसी मंत्री अरुणा चौधरी, विधायक जोगिंदर पाल तथा अनिल विज के हलकों में सुनील जाखड़ की बुरी तरीके से हार हुई है। भाजपा के उम्मीदवार सनी देओल को कुल 5,50,766 वोट पड़े हैं, जबकि सुनील जाखड़ ने कुल 4,73,659 मत प्राप्त किए और इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पीटर मसी को कुल 27,257 तथा पीडीए के उम्मीदवार लाल चंद काटरूचक को 15,209 वोट पड़े। आपको बता दें, गुरदासपुर से फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना सांसद रह चुके हैं और उनकी मौत के बाद से हुए उपचुनाव में सुनील जाखड़ ने यहां से जीत हासिल की थी। हालांकि गुरदासपुर लोकसभा सीट को कांग्रेस की वर्चस्व ढाड़ी सीट भी मानी जाती है। बीजेपी ने विनोद खन्ना को उतार करके यह वर्चस्व तोड़ा था और बता दें कि सनी देओल का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। अभिनय के सहारे सनी देओल राजनीति में आए हैं अभी अभी और पहली बार में सफल भी हो गए हैं, जिसमें पंजाब के पुत्र धर्मेंद्र के बेटे होने का कारण बीजेपी ने उन्हें यहां से मैदान में उतारा था। हालांकि सनी देओल के प्रचार में अभिनेता धर्मेंद्र भी काफी सक्रिय रहे। बता दें कि इससे पहले धर्मेंद्र साल 2004 में राजस्थान के बीकानेर सीट से भाजपा के सांसद रह चुके हैं। वहीं उनकी पत्नी हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की मथुरा से सांसद हैं। सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है और इनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 में पंजाब के सहनेवाल में हुआ, जिनमें सनी देओल अभिनय के क्षेत्र में लगभग 35 से सक्रिय रहे हैं और इस दौरान उन्हें 2 राष्ट्रीय अवार्ड और 2 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो ये है फिल्म अभिनेता से अभी अभी नेता बने सनी देओल के जीवन का एक नया शुरुआत, जहां पे उन्हें अब राजनीति में एक जोरदार जीत के साथ उनकी एंट्री हो चुकी है और उन्होंने जनता को कहा है धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने रोड शो किया, लोगों को धन्यवाद दिया और कहा है कि अब वो गुरदासपुर छोड़ करके नहीं जाएंगे, यानी कि अब वो अपना पूरा टाइम पूरा जान गुरदासपुर में लगाएंगे और राजनीति में लगाएंगे। आपकी क्या राय है सनी देओल के जीत को लेकर के, आप हमें जरूर साझा करें अपने कमेंट्स बॉक्स में शेयर करके। हम फिर से हाजिर होंगे ब्रेक के बाद कुछ अन्य न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।